नमस्कार दोस्तों, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। ज्योतिष शास्त्र में राशिफल के माध्यम से विभिन्न कालखंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। राशिफल रोजाना की भविष्य का कथन करता है, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर निर्भर होता है। जैसे कि माँ, दादी, नानी या कोई बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद ग्रहण करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं 12 राशि के जातकों का राशिफल और शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्च कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें, साथ ही उनके सुख दुख के भागीदारी बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। प्यार मोहब्बत की नजरिए से बेहतरीन दिन है। चलिए उपाय जान लेते हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए काले जूते और छाते का दान किसी गरीब को करें। और अब बात करते हैं मेष के बाद वृष राशि की। आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। अगर आप छात्र हैं और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो घर में आर्थिक तंगी आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है। मुसीबत के वक्त परिवार से आपको मदद और सलाह हासिल होगी। आप दूसरे के तजुर्बे से कुछ सबक सीख सकते हैं। ये आपके आत्मविश्वास की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब उपाय जान लेते हैं। दूध से भरे बर्तन सिरहाने रखें और सुबह घर से बाहर किसी नजदीक वृक्ष में डालने से हेल्थ अच्छी होगी। उपाय के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपके निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। आपका ज्यादातर समय दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। मानसिक स्पष्टता आपको व्यवसाय में प्रतिस्पर्धाओं पर बढ़त दिलाएगी। आप सारी पुरानी दुविधाएं खत्म करने में भी सफल रहेंगे। बेवजह की उलझनों से दूर होकर आज आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। चलिए अब उपाय बता देती हूँ आपको। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सूर्य चालीसा या आरती पढ़े। अब बात करते हैं मिथुन के बाद कर्क राशि की। दूसरों की सफलता को सराहकर आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। दीर्घावृद्धि निवेश से बचिए और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताइए। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका ना दें। दूसरों को खुशियां देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। अब राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। खोटा सिक्का नदी में बहाने से स्वास्थ्य बेहतर होगा। और अब सिंह राशि की बात करते हैं। घर और दफ्तर के कुछ दबाव आपको गुस्सैल बना सकता है। जिन लोगों को आप जानते हैं, उनके जरिए आपको आमदनी में नए स्रोत मिलेंगे। परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर तरजीह दें, उनके सुख दुख में भागीदारी बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। प्रेम संबंध में गुलाब की तरह व्यवहार ना करें, तब तक कोई वादा ना करें जब तक आप पूरी तरह से पूरा करने में उस वादे को सक्षम ना हो जाएं। चलिए उपाय बता देती हूँ आपको। इलायची का सेवन करने से हेल्थ अच्छी रहेगी। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। पेचीदा हालत में फंसने से घबराए नहीं। जैसे खाने में थोड़ा सा तीखापन उसे और लजीज बना देता है, उसी तरह ऐसी परिस्थितियां आपको खुशियों की सही कीमत बताती है। आपका मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, तो आज से ही धन में बचत करें। मुमकिन है कि परिवार वाले आपकी उम्मीदों को पूरा ना कर सके। इस बात की इच्छा ना करें कि वे आपके मुताबिक काम करेंगे, बल्कि अपने काम करने का तरीका बदलकर पहल करें। और बात उपाय की करते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली के लिए अपने इष्ट देव की लोहे की मूर्ति बनवाकर उनकी पूजा करें। और अब बात करते हैं तुला राशि की। आप में से कुछ लोग आज महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बाध्य पड़ सकते हैं, जिससे आप तनावग्रस्त और चिंतित हो सकते हैं। आज आपकी कोई चल संपत्ति चोरी हो सकती है, इसलिए जितना हो सके इसका ध्यान रखें। आपका गर्म जोशी भरा बर्ताव घर का माहौल खुशनुमा कर देगा। कुछ ही लोग ऐसे इंसान के आकर्षण से बच सकते हैं। आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपके बॉस भी आपके काम से खुश होंगे। अब राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं।
बड़ी स्त्री, माँ, दादी, नानी या कोई बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद ग्रहण करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तुला के बाद अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। आपकी खुश मिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। ऐसे दिन है जब काम का दबाव कम रहेगा और आप परिवार के साथ समय बिताने का मजा ले पाएंगे। आपके महंगे तोहफे आपके प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में नाकाम साबित होंगे, क्योंकि वे उन्हें कतई प्रभावित नहीं होंगी। राशिफल के बाद अब उपाय जान लेते हैं। दिन के किसी एक भोजन में नमक न खाएं, इससे प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। चलिए अब बात धनु राशि की करते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्या दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को अलौकिक करता है। इस राशि के जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको महसूस हो सकता है कि रचनात्मक कार्य करने से बेहतर नौकरी करना था। नए विचार और आइडियाज को जांचने का बेहतरीन वक्त है। चलिए उपाय बता देती हूँ आपको। विष्णु या शिव मंदिर में सूर्य की वस्तुएं गेहूं, साबुत मसूर, गुड़, दलिया, लाल वस्त्र, सिंदूर दान देने से लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मौज मस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेल जोल आपको खुश रखेगी और सुकून देगी। उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें। दोस्तों और घर वाले आपके प्यार और सहयोग देंगे। आप आज रूहानी प्यार की मदहोशी महसूस कर सकते हैं। इसे महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचा कर रखें। बेहतर कामकाज के चलते आपको तारीफ मिल सकती है। आज आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। और राशिफल के बाद अब उपाय की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति को बेहतर रखने के लिए सूर्य चालीसा और आरती को पढ़ें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। हाल की घटनाओं से आपका मन बेचैन हो सकता है। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान व योग फायदेमंद साबित होगा। व्यापारियों को आज व्यापार में घाटा हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांति के दिन का लुत्फ ले सकते हैं। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उसे नजरअंदाज करें। उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। आज आप अपने जीवन की परेशानियों को अपने संगी से साझा करना चाहोगे, लेकिन वो अपनी परेशानियों के बारे में बता के आपको और ज्यादा परेशान कर देंगे। अब राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। नौकरी और बिजनेस में उन्नति के लिए घर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। और अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आप जल्द ही लंबे समय से चली आ रही बीमारी से उबर कर पूरी तरह सेहतमंद हो सकेंगे, लेकिन ऐसे खुदगर्ज और गुस्सैल इंसान से बचे जो आपके तनाव दे सकता है और आपकी परेशानियों में इजाफा कर सकता है। इसके लिए पैसा बचाने का आपका ख्याल आज पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे। खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। चलिए अब उपाय जान लेते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए कच्ची साबुत हल्दी पानी में बहाएं। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।